हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन करेंगे हम 7th और इस क्वेश्चन के पांच पार्ट्स हैं, हम पांचों के पांचों करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़े आसान और थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इन्हें समझना पड़ता है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट्स में नंबर नहीं है, स्टिल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने चार मेथड्स किए हैं अभी तक, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो लीनियर इक्वेशन में कोई भी मेथड लग सकता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट्स और वाई के कोफिशिएंट्स नंबर्स में नहीं हैं और हमें एक्स वाई प्लेन पे जब उन्हें ड्रॉ करना होता है तो हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। इसको हम शुरू करते हैं और फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। जैसा कि हम करते आए हैं, इसको इक्वेशन 1 दे लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट है उसे इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट है सेकंड में उसे इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन आएगी पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। देन वी विल सब्ट्रैक्ट और साइन चेंज कर देते हैं हम। बहुत ध्यान से देखिए कि पी क्यू एक्स और पी क्यू एक्स विद डिफरेंट साइंस हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और वाई और यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो पी क्यू है और ये वाला जो पी क्यू है तो ये कट सकते हैं। बाकी क्या बचा? पी स्क्वायर जो कि माइनस का है माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई और यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन रहेगा। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 जो कि है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ध्यान से देखिए क्योंकि क्यू और क्यू विद सेम साइन है, इसके ओपोजिट साइड्स पे हैं, इसलिए हमारे पास आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू पी, फिर पी और पी भी कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। इट वॉज सो ईजी। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ गेट बैक टू मी, आई डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। अब चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट। देखिए मेथड हम अपना सेम रखेंगे, एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो एलिमिनेशन से ही करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इसका कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट बी है जिसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट ए है जिसे सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी गेट ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। एंड सब्ट्रैक्टिंग होता है, साइन चेंज कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े प्यार से करेंगे। ये और ये कट गया, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई
कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू बी सी माइनस ए माइनस ए सी। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं आगे और इसको थोड़ा सा सिमेट्री में लिखने के लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले आता हूँ। दूसरी साइड से भी अगर माइनस कॉमन लेके आए तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए सी माइनस बी सी और माइनस कॉमन आ गया। माइनस माइनस हम काट देंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई ए प्लस ए सी माइनस बी सी। वाई की वैल्यू को लिखने की कोशिश करते हैं, ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाई की वैल्यू है हमारे पास। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस, मैं इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ। अब यहाँ से हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, जो कि हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सो ए एक्स प्लस बी वाई क्या है हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट में रख के ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स प्लस ये बी को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, बी ए प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ये सारी चीज़ मैं उठाऊंगा और दूसरी तरफ ले जाऊंगा। स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और मैं x को जितनी जल्दी आइसोलेट करूँगा उतना अच्छा है। सो ये देखिए ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी ए प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लिया है हमने, बी ए प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, और क्योंकि एलसीएम ले लिया है हमने ये हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन, दोबारा से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए बी स्क्वायर सी प्लस का है, बी स्क्वायर सी माइनस का है, तो हमारे पास क्या आ सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे न्यूमिरेटर में से ए कॉमन आ सकता है, ए सी माइनस बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए एक्स है, ए और ए कट गया है, जो भी बाकी बचा है वो हमारा आंसर है। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है आंसर, बट दैट्स ओके, ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और हमने जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमने निकाल दिया है। और ये वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में ये सारे के सारे ए बी सी नंबर्स हैं और नंबर्स में ही इनके आंसर्स भी आए हैं, बट क्योंकि हमारे पास प्रॉपरली 1, 2, 3 नहीं है इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एक्स की वैल्यू इस तरह से आई है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई होप दैट्स ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। लीजिए जी अब आ गए हैं हम
क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 पे, और ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये फ्रैक्शंस में है, जबकि ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट इक्वेशन है सेकंड वन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ए बी, यहाँ आ जाएगा एक्स बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स बी माइनस ए वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी जब इधर जाएगा तो वो ज़ीरो ही बन जाएगा। और दूसरी इक्वेशन को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आराम से इक्वेशंस लिखी गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे जैसा कि हम करते हैं। इनको पहले वर्टिकल और ऑर्डर में लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे इक्वेशन टू दे देते हैं, इसे इक्वेशन वन दे देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर लूँगा। इसमें बी है तो मैं बी से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब लिखेंगे हम ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम नंबर्स विद ऑपोजिट साइंस कट जाएंगे, बाकी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। यहाँ से हम कॉमन लेके आ सकते हैं माइनस वाई, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी साइड पे क्या बनता है, अगर मैं माइनस बी कॉमन निकाल लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। दोनों सेम हैं तो कट सकते हैं, माइनस और माइनस भी कट सकते हैं, तो y इज इक्वल टू b आ गया। दैट्स सो इजी। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। और आपको याद होगा हमारे पास इक्वेशन वन क्या है, x अपॉन a माइनस y अपॉन b, तो y की वैल्यू क्या है b अपॉन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए ये बी और ये बी कट गया, एक्स अपॉन ए माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स अपॉन ए, ये माइनस वन दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो एक्स इज इक्वल टू ए आ गया। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं, एंड इट वाज सो इजी। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट। लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 है अब हमारे पास। आई हैव रिटन द स्टेटमेंट, ये हो गई इक्वेशन 1, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास अभी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जो कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसे हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और उसके बाद उसको इक्वेशन टू का नाम देंगे। तो देखिए ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन टू, क्योंकि अब देखिए अब हमारे पास ये प्रॉपरली सॉर्टेड आउट है। अगर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और विद सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी y इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस पी स्क्वायर, वेयर एज ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन चेंज कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये और ये जो कि y के कोफिशिएंट्स हैं ये तो कट गए, बाकी यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कटता है ऑफ कोर्स ये और ये कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर के साइन सेम है तो वो नहीं कटेंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर। ब्रैकेट खोलते हैं, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ से हमारे पास बाद में देखेंगे हमें क्या कॉमन लेके आना है, तो माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। देखते हैं क्या कट रहा है हमारे पास, ए और ए कट गए हैं, यहाँ आएगा माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बी, कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी, माइनस टू बी विद साइन माइनस टू बी कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी आया है हमारे पास। अब वैल्यू ऑफ एक्स को इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर गया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, अभी इसके साथ लिख लेते हैं माइनस टू ए बी, और वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, एंड दैट इज माई आंसर, इट इज़ सो ईजी। अब हम जल्दी से लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, विच इज़ पार्ट 5, लेट्स सी। चलिए जी, अब हमने स्टेटमेंट लिख ली है, ये बड़ा यूनिक और बड़े अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इनकी 1 या 2 मार्क्स में। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। जो इक्वेशन नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हम या एलिमिनेशन लगा लेते हैं या सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, ठीक है, उसमें हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होता है विद इट्स कोफिशिएंट्स, लेकिन यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो देखिए 378 को 152 से और 152 को 378 से मल्टीप्लाई करेंगे, गोइंग टू बी ह्यूज टास्क, और वैसे ही ये बहुत बड़ा काम है, और एक दो नंबर के लिए तो क्या किसी भी चीज़ के लिए ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी कैलकुलेशंस को करना पॉसिबल नहीं है हमें एग्ज़ाम में एटलीस्ट। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए एक यूनिक मेथड होता है हमारे पास, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एंड थिंग्स विल बी फाइन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर देते हैं जी। ये देखिए हमने साइन चेंज कर दिए, जैसे ही साइन चेंज किए ये ऐड होंगे, 152 ये हमारे पास आ जाएगा 530x माइनस 530y इज इक्वल टू प्लस का 530 कॉमन आ जाएगा, x माइनस y अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 530 रह जाएगा, 530 और 530 कट गया, x माइनस y इज इक्वल टू 1 बच गया हमारे पास। अब
जैसा कि मैंने बोला था, पहले हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया था, अब हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। जैसे ही हम ऐड करेंगे 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604 और नाउ वी आर गोइंग टू ऐड। ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 622 और वो माइनस के साथ, माइनस 226y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 678। माइनस 226 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। माइनस के साथ माइनस क्या, 226 थ्री जा 78 होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है एक, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं हम नाम और इक्वेशन 4 दे देते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि y के साइन जो हैं वो उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जैसे ही हम उनको ऐड करते हैं y और y कट जाएगा, ये हम पहले ही सीख के आए हैं, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। दैट्स सो ईजी। अब हम सिंपली लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, जो कि अब देखिए आप वो थी x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो x क्या है 2 माइनस y इज इक्वल टू 1। y को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, इन्होंने अपनी अपनी जगहें चेंज कर लेनी है और साइन भी चेंज कर लेने हैं, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। सो हमारे सॉल्यूशन क्या आए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान था। आई होप ये आपको सारा समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ गेट बैक टू अस, राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।